महिला आयोग की अध्यक्ष ने बच्चियों के यौन शोषण के मामले में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन किया है। एमसीडी के एक स्कूल में 2 8 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। ये 2 बच्चियां अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठी हुई थी, स्कूल असेंबली के बाद अपनी क्लास टीचर का वेट कर रही थी। इतने में एक अनजान आदमी स्कूल में उस क्लास में आता है, वहां पे इन दोनों बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, इनके कपड़े उतारता है और बाद में अपने कपड़े उतार कर वहां पर शौच करता है पूरी की पूरी क्लास के सामने और उसके बाद गायब हो जाता है। जब ये बच्चियां स्कूल में क्लास टीचर के पास जाती हैं, प्रिंसिपल के पास जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि मामले को दबा दो, भूल जाओ। फिर उसके बाद किसी तरीके से एफआईआर दर्ज होती है पर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द वो आरोपी भी अरेस्ट हो और साथ में क्लास टीचर और प्रिंसिपल जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी है उनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए पॉक्सो एक्ट के अंडर। उसके बाद हमने ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर को भी समन कराए, उनको तलब कराए क्योंकि वो आके एक्सप्लेन करें कि क्या उन्होंने प्रोविजंस बना रखे हैं जिससे कि कम से कम स्कूल्स तो सेफ रहे। क्या सीसीटीवी कैमरास लगे थे? अगर लगे थे तो कैसे ऐसे हुआ कि एक आदमी स्कूल के अंदर आता है जिसको कोई नहीं जानता और उसके बाद वो इतनी गंदी घटना को अंजाम दे देता है और उसके बाद गायब हो जाता है और स्कूल कोई एक्शन नहीं लेता। ईस्ट एमसीडी को मैंने यहाँ पे समन कर रखा है, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को तुरंत इस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। फरुखा।